रुख करेंगे कसूर का। दाता दरबार खुदकुश हमला में शहीद होने वाले एलीट फोर्स पुलिस एहलकार शाहिद नसीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद शाहिद नसीर के नमाज जनाजा में डीपीओ कसूर अब्दुल गफ्फार कैसरानी और दीगर सियासी और समाजी तनजीमों के अफराद ने शिरकत की। शहीद शाहिद नसीर को मुकामी कब्रिस्तान में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी देकर दफन किया, जबकि कसूर में शहीद शाहिद नसीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। दाता दरबार में खुदकुश हमला के बायस शहीद होने वाले पुलिस के एलीट अहलकार शाहिद नसीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद शाहिद नसीर की नमाज जनाजा में डीपीओ कसूर अब्दुल गफ्फार कैसरानी और दीगर सियासी और समाजी तनजीमों के अफराद ने शिरकत की। शहीद शाहिद नसीर को मुकामी कब्रिस्तान में पुलिस के चाको चौबंद ने दस्ते की जानिब से सलामी पेश की और दफन किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सज्जाद अंसारी। जी सज्जाद अंसारी, बताइएगा कि शाहिद नसीर को सपुर्द खाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज शाहिद नसीर साहब को जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं यहाँ बता चलूँ कि आज ये दाता दरबार के बाद होने वाला खुदकुश धमाके ने सिर्फ लाहौर शहर को नहीं बल्कि पूरे हमारे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इस धमाके ने देगर पुलिस मुलाजमीन के अलावा डीपीओ ममूर कसूर की धरती के शहीद जवान हवालदार शाहिद नसीर में भी शहादत जो है शहादत हुई है। इस वक्त कसूर के अजीम सबूत के इलाका मुस्तफाबाद में आरहांक अश्कबार है और पुलिस के अफसरान डीपीओ कसूर और दूसरे अफसरान के अलावा जो मुस्तफाबाद के जो अवाम के सैकड़ों की तादाद में अवाम ने जो है नमाज जनाजा अदा की है। मैं यहाँ पर आपको बताना चलूँ कि शहीद शाहिद नसीर ने अपने जो तीन बेटियां और दो बेटों। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।